बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। नवरात्रि का त्यौहार तो होता ही है, खुशियों का त्यौहार, और सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, साथ में गरबा करते हैं। सो यस, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे आप खुद नवरात्रि का सेलिब्रेट करती हैं, गरबा की बात करें तो आप कितना इन्जॉय करती हैं गरबा खेलना? हालांकि इस वर्ष बैंड है, लेकिन आप पहले कितना खेलती थी गरबा? और बहुत एक्चुअली हमारे घर के पास में एक मंदिर था, हम सब लड़कियाँ वहाँ पर इकट्ठा होते थे नवरात्रि के टाइम पर, और रोज़ जाके वहाँ मंदिर के पास गरबा करते थे। सो यस, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था, वही दिन वही यादें हैं बस सब। अभी एक सीन चल रहा था जहाँ पे आप मतलब कुछ बोल रही थी, वो क्या सीन था? वही है जो शंभू के साथ जो चल रहा था, मुझे ये कंपटीशन जीतना है, क्योंकि हमारी सासू माँ जो है वो प्रतिज्ञा लेके बैठी हैं कि वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी, तो महुआ नहीं चाहती कि वो ऐसा करें, महुआ चाहती हैं वो अच्छे से खाएं पिएं और स्वस्थ रहें और परिवार में खुशियां जो हैं वो बरकरार रहें, तो बस यही महुआ कंपटीशन जीतना चाहती है। आप लोग साथ दीजिएगा तो जीत जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अंजना सिंह यानी आपकी पद्मा, और दंगल टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रि की नथ परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा कि नवरात्रि का पावन त्यौहार शुरू हो चुका है, अभी जो इंटरव्यू हो रहा है वो भी दुर्गा माँ के सामने हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि कितने उत्साहित इसको लेकर, और शो में जो नवरात्रि को लेकर होने वाला सीक्वेंस उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सीक्वेंस हम लोग मतलब शूट होने जा रहा है नवरात्रि का, जैसे कि आज से शुरुआत हो चुकी है और 9 दिन हमारे नथ परिवार में भी खूब धूमधाम मचने वाली है। नवरात्रि के 9 दिन हम लोग बहुत डांडिया मतलब डांडिया करने वाले हैं, माता जी का जागरण करने वाले हैं, काफ़ी कुछ आपको 9 दिन अलग अलग देखने को मिलेगा। तो गरबा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नवरात्रि में, तो इसमें गरबा बैंड ऐसे, लेकिन आप गरबा कितने खेलती हैं जब नॉर्मल समय में नवरात्रि होता है? नहीं नहीं, मैं गरबा खेलने जाती थी और पसंद भी है मुझे, और हमारे सीक्वेंस में भी गरबा हो रहा है, शंभू, बूंदी, महुआ और राधे सब लोग, और जो गाँव वासी हैं सब लोग आके गरबा खेल रहे हैं हमारी हवेली में, हम लोग आयोजित करते हैं, मुझे बहुत पसंद है गरबा खेलना। और क्या कहना, अभी तक जितना हुआ ये सीरियल कैसा रिस्पांस है लोगों का, और पर्टिकुलरली आपकी जान पहचान में जितने लोग हैं कैसा रिस्पांस आपके लोगों को किरदार का जो आपके किरदार जी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और अभी पता चला कि अच्छी हमारी TRP जा रही है और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हर एक किरदार से कनेक्ट हो रहे हैं, और पद्मा की क्या बात करूँ, वो अपने में ही धमाल है, अपनी तारीफ अपने मुंह से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, ये सब हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है, प्यार है, और थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद नथ को देते रहे, बनाए रखें, और देखना ना भूलें दंगल पे रात 10 बजे आपका अपना सबसे ज़्यादा पसंदीदा शो नथ। जय माता दी, थैंक यू। जी बहुत उत्साहित हैं, और स्पेशली आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, फिर चाहे वो सेट पे हो या असल ज़िंदगी में हो, नवरात्रि के एक्साइटमेंट तो हर किसी के पास होती ही है। तो आज का सीक्वेंस के बारे में जानना, क्या सीक्वेंस बेसिकली होगा आज? आज सीक्वेंस होगा ये कि बूंदी ने फिर से कोई चाल खेल के किसी तरह वो शंभू जी के साथ बात करने की कोशिश करी, तो आप देखिए आगे क्या होता है। बहस तो मतलब बहस नहीं चल रही है, वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बट वो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या कॉन्वर्सेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। बस आज से तो उत्साह है, शाम होते ही मतलब ये एक्साइटमेंट रहता है कि डांडिया होगा, डांडिया देखने जाएंगे या डांडिया करेंगे। अब यहाँ पे पैकअप कितने बजे होता है उस पर डिपेंड करता है, और आज यहाँ जो सीक्वेंस है ये अपने में बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस है, क्योंकि बूंदी और अपना शंभू और महुआ सब लोग आज डांडिया कर रहे हैं, और जानकी ने तो जोड़ी बना दी है बूंदी और महुआ की, ओ शंभू की, अब महुआ क्या
करती है और कैसे शंभू के साथ उसका डांस होता है, ये सीक्वेंस में ही लोगों को पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। इस बार शायद गरबा खेलना बैंड है, लेकिन आप डांडिया खेलते होंगे जब पहले ये दशहरा होता, तो ऐसा था अनुभव, कभी खेलती हैं आप? नहीं, मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं डांस में थोड़ी सी वीक हूँ और वो डांडिया के स्टेप मुझे आज तक नहीं आए, लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ और बड़े बड़े डांडिया पंडाल्स में भी जाती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ, पर मैंने खेला नहीं आज तक। थैंक यू। मेरा कुछ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मैं किनारे बैठ करके इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली लेडीज़ों का प्रोग्राम है और सब डांडिया खेल रहे हैं, डांस मस्ती हो रही है, बाकी जो लवर्स हैं उनके बीच की केमिस्ट्री, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हंसी मजाक, ये सब चलता रहेगा। रमेश ठाकुर किनारे बैठकर शांति से माता रानी को याद करेगा और उनका आशीर्वाद लेगा। नवरात्रि में गरबा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बार गरबा को बैंड किया गया, तो आप गरबा खेलते हैं जब रेगुलर समय में जब दशहरा होता था नवरात्रि? मैं खेलता तो नहीं हूँ, बट हम लोग जाते थे अक्सर, कभी कला केंद्र चले गए बोरीवली, कभी कहीं चले गए, एंड हम देखते हैं जिस तरीके से लोग इन्जॉय करते हैं गरबा को, वो देखना ही अपने में बहुत ही कमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कोविड की प्रॉब्लम ख़त्म हो और फिर से शुरू हो गरबा नवरात्रि पे और पब्लिक वैसे ही इन्जॉय करें। लास्टली कहना चाहूँगा, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, शो के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, कि ऐसा रिस्पांस मिल रहा है? शो का रिस्पांस बहुत अच्छा है, चैनल बहुत खुश है, हमारे प्रोड्यूसर बहुत खुश हैं और मेरे कैरेक्टर को स्पेशली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। रमेश ठाकुर जैसा कि टाइटल रोल है और काफ़ी कुछ काम दिखाने को मिल रहा है यहाँ पर, तो मज़ा आ रहा है। सबसे पहले तो नत परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये जो अभी होने वाला है यहाँ पर जो भी सारी चीज़ चलने वाली है, बेसिकली मुझे मतलब मैं पहले बुंदी के साथ डांस करने वाला रहता हूँ, राधे जो मैं उसका पति हूँ तो मैं डांस करने वाला रहता हूँ, बट मेरे पाँव में लग जाती है गलती से। तो इस बार ऐसा हुआ है कि मेरे अलावा अब शंभू भैया नाचने वाले हैं बुंदी जी के साथ, तो बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा धमाल होने वाला है, और महुआ जी जो कि अकेली पड़ चुकी हैं तो उन्हें अब अकेले नाचना पड़ेगा, बट वो अकेले भी सब पर भारी है, तो देखते रहिए कि आप आगे क्या होने वाला है ड्रामा, तो ये अभी होने वाला है। आशीष, ये भी कहना चाहूँगा, नवरात्रि जो शुरू हो चुका है तो आप खुद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार जो है गरबा को शायद बैन किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे, गरबा कितना खेलते हैं? अगर गरबा, जैसे कि मैं इंदौर से हूँ तो इंदौर में तो नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो मैं हर दिन 9 दिन मतलब अपने दोस्तों के साथ 9 दिन हमेशा जाता था और बहुत सारा डांस करते थे, बट अभी जब से ये शूट है तो इस बार मैं नहीं जा पाया, तो बहुत सारा मिस करूँगा अपने परिवार को और अपने दोस्तों को, और अभी जैसे लॉकडाउन में ये सब सारी चीज़ें, अब टाइमिंग वगैरह चेंज हो गई और सारा मतलब कम हो चुका है, तो इस साल थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगले साल खूब धूमधाम से बनाएंगे। सर, अभी तक शो में जो आपको रिस्पांस मिला आपके कैरेक्टर को लेकर, कैसा रिस्पांस मिला? जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर और आप रियल लाइफ में कितने डिफरेंट पाते हैं? रियल लाइफ में और जो राधे कैरेक्टर है लगभग 90% बहुत सारी समानता है हम दोनों में, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल मस्त मौला अपनी लाइफ में रहने वाला कैरेक्टर है और मैं भी ऐसा ही हूँ, तो कैरेक्टर काफ़ी सिमिलर है मुझसे। थैंक यू।